सहारा समय की खास पेशकश दंगल में आपका स्वागत है। निकाय चुनाव का प्रचार जोरों शोरों पर है, प्रत्याशी जनता जनार्दन की चौखट रगड़ रहे हैं। किसी तरीके से वो महापौर बनना चाहते हैं। औद्योगिक नगरी कानपुर में भी प्रचार प्रसार चरम पर है। सहारा समय ग्राउंड जीरो पर जाके ये जानना चाहता है कि क्या स्थिति है और मतदाताओं के मन में क्या बात है। इस वक्त मौजूद है कानपुर के साउथ इलाके में, जहाँ हम व्यापारियों से जानेंगे उनके मन के राज। चुनाव जोरों पर चल रहा है, आप किस सोच के साथ वोट डालेंगे? सर, जो भी प्रत्याशी आज तक लगा है कि मतलब कानपुर की सुंदरता में उसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हो, कानपुर के रहन सहन में, ट्रैफिक में, प्रशासन के उसमें है, अगर जिसने भी हिस्सा लिया है उसी को वोट देंगे। और जो आगे आने वाले समय में लगेगा कि ये कानपुर के लिए, हमारे अपने क्षेत्र के लिए अच्छा प्रयास करेगा, अच्छी प्रगति करेगा, तो हम उसी को वोट देंगे। तो कानपुर में वोट अब दूसरे चरण का आ गया है, 11 तारीख को वोट पड़ने जा रहे हैं, प्रचार प्रसार चल रहा है, जब वोट डाल रहे होंगे तो क्या मन में मुद्दा होगा एज ए व्यापारी? आप व्यापारी कोई भी हम हो, किसी विभाग का हो जाके ये सोचता है कि वो राजनीति से हटके हो, जो भी हमारा मेयर हो और हमारे कानपुर के सुख दुख के हमारे अपने संबंधों के आधार पर हो, और ऐसा कार्य करे जिसे पिछली मेयर साहब ने काम किया था कि हमारे हॉस्पिटलों में, नगर निगम में, धर्मशालाओं में जो साइकिल स्टैंड लगा करती थी उसको तत्काल प्रभाव हाईकोर्ट के आदेश से इनके आह्वान पर वापस हुआ था। हम उनका समर्थन करते हैं और व्यापारी हित का कार्य हुआ था। व्यापारी हित का कार्य हुआ था। कैसी लोकल सरकार चाहते हैं व्यापारी हैं, कैसी उनसे सुविधाएं चाहते हैं उस लोकल सरकार से आप? स्थानीय चुनाव हैं, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव हैं। नाली, सड़क, खड़ंजा, ये मुख्य मुद्दे होते हैं, इन्हीं मुद्दों पर चुना जाता है। हमें ऐसा पार्षद चाहिए, ऐसा मेयर चाहिए जो व्यापारियों के हितों को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए कोई कार्य करें। अभी तक नगर निगम ने हाउस टैक्स के नाम पर जो अधिक 4 गुना 5 गुना टैक्स बढ़ा दिया है, हम आने वाले नए मेयर साहब से, मेयर साहिबा से ये उम्मीद रखते हैं कि वह उनको करके जनता को न्याय दिलाएं। वर्तमान परिस्थितियां व्यापारियों के लिए बड़ी गंभीर हैं, नोटबंदी, उसके बाद कोरोना, COVID-19, जिसके चलते व्यापारी काफ़ी त्रस्त है। तो ऐसी स्थिति में व्यापारियों पर बोझ ना बने और जो शासन से वित्तीय सहायता अनुपूरक बजट के नाम पर आती हैं, वह अनुपूरक बजट जनता के बीच में पूरा खर्च हो, इसके साथ ही उसका त्रैमासिक आय व्यय का लेखा जोखा जनता के बीच में किस तरह से प्रकाशित किया जाएगा कि जनता उसका लाभ ले सके और आने वाले मेयर को हृदय से धन्यवाद प्रेषित करे। ऐसी सरकार, ऐसी स्थानीय सरकार, क्योंकि ये हमारे कानपुर लोकल का मामला, हमें स्थानीय सरकार की जरूरत है। हम स्थानीय बात कर रहे हैं, यहाँ प्रदेश और केंद्र कोई लेना देना। देखा जाए तो पिछले 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी का मेयर है, क्या लगता है उनकी क्या उपलब्धि मानते हैं और क्या खामियां? उपलब्धि यही है कि टैक्स बढ़ गया है काफी, हाउस टैक्स, कमर्शियल टैक्स, सर्वे करा के कमर्शियल टैक्स लगा दिया काफी, जिससे कि आम जनता और व्यापारी बहुत परेशान है। इस पे कंट्रोल होना चाहिए। नंबर 2, सड़क के किनारे ठेले, ठेलियां, जाम, इन पे आज तक अंकुश नहीं लग पाया, इस पे अंकुश लगना चाहिए। और जैसे मौसम आता है, खतरनाक मौसम आता है जाड़े का, रैन बसेरा वगैरह का, जब मौसम आ चुका होता है, लोग पीड़ित हो चुके होते हैं, तब विचार किया जाता है। ये सब चीज़ें पहले से करके रखनी चाहिए, इसकी तैयारी होनी चाहिए। आप काम तो दक्षिण के व्यापारी हैं, दक्षिण व्यापार करते हैं, जल भराव की बड़ी समस्या मानी जाती है सड़कों की। व्यापारी को शायद सबसे बेसिक जरूरत यही होती है कि उसका व्यापारी पहले से आ सके, उसका कस्टमर पहले से आ सके, उसका सामान का आवागमन हो सके। क्या लगता है इसको, आप किस दृष्टि से देखते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ का मेयर ऐसा हो कि यहाँ की सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, सड़कों में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ पे गली गली में यातायात की इसीलिए व्यवस्था है क्योंकि हर जगह अतिक्रमण हुए हैं। यह अतिक्रमण की समस्या है, आप किन समस्याओं से रूबरू होते हैं, उसका छुटकारा क्या पाते हैं, आपको क्या सुझाव होगा अगर देखा जाए तो? देखिए, इस शहर की सबसे बड़ी जो समस्या नजर आ रही है वो यहाँ सीवर और वाटर लाइन की। यहाँ सीवर, जरा सा पानी बरसा नहीं कि रोडें जाम होने लगी, पानी भर गया, मैनहोल ओवर हो गए और ओवरफ्लो होकर बहने लगे। तो उसमें हम व्यापारियों को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि माल के आवागमन में बड़ी दिक्कत होती है, गाड़ियाँ भेजनी है, पता लगा खलुआ पुल हमेशा भरे रहता है, जरा सा पानी बरसने में भर गया। तो हम ये चाहते हैं कि जो अगला मेयर हो शहर का, तो इन चीज़ों में विशेष ध्यान दें। कहना है कि पानी की बड़ी समस्या रहती है, जरा से जल भराव हो जाता है तो
मेन जो मुख्य मार्ग है जूही का वो भर जाता है। फिर अभी देखा जाए तो बारिश हो ही रही है अभी हल्की फुल्की, लेकिन बेमौसम है। मौसम की बारिश के लिए क्या सुझाव देंगे, क्या होगा आपकी सोच? देखिए, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आज ये चुनावी दंगल रखा है। और निश्चित रूप से जब से केंद्र में मोदी जी की और प्रदेश में योगी जी की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, और निरंतर तौर पर विकास कार्य कभी रुकता नहीं, विकास कार्य हमेशा चलता हुआ विकास कार्य होता है। तो उम्मीद करते हैं इस 5 साल में हमारा जो भी महापौर बनेगा वो विकास कार्यों को उन्नति गति दे करके उनको बिल्कुल आसमान छुपाने का काम करेगा। दक्षिण में एक बड़ी आबादी है जो नई बसी हुई है, उसमें खास तौर से समस्याएं आती हैं। कहाँ तक मानते हैं कि पीछे जो महापौर रही हैं उनको खत्म कर पाएंगे? उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है और बहुत सी समस्याओं का समाधान किया है। अब कानपुर हमारा स्मार्ट सिटी हो रहा है। जब कानपुर हमारा स्मार्ट सिटी हो जाएगा, जैसे मेट्रो पे काम चल रहा है, उसकी वजह से कुछ समस्याएं आ रही हैं, जिससे ट्रैफिक की और भी समस्या आ रही है। आने वाले कुछ समय में जैसे ये पूरे होंगे तो उसको यहाँ की क्षेत्रीय जनता को, व्यापारियों को बहुत लाभ होगा। क्षेत्रीय जनता को, व्यापारियों को लाभ होगा, आपका कहना है कि स्मार्ट सिटी बन रहा है उससे लाभ होगा, आप कितना सहमत है जी व्यापारी? नहीं, 101% मैं सहमत हूँ। स्मार्ट सिटी बन रहा है जा करके, मेट्रो हमारे यहाँ आ गई जो कभी दक्षिण में नहीं आया करती थी, वो भी आगे तैयार होगी, लगभग 1-2 साल में तैयार हो जाएगी। मैं उसको उपलब्धि दूंगा जा करके और सरकार को बधाई दूंगा, अच्छा कार्य कर रही है और मेयर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेट्रो के लिए खुशी है, मेट्रो व्यापार में कितनी कारदायक साधु होगी, व्यापार बढ़ोतरी में कितनी फलदायक साबित होगी, क्या लगता है आपको? व्यापार के लिए मेट्रो इसमें बहुत अच्छी साबित होगी, जो आवागमन है उसके लिए मेट्रो बहुत फायदेमंद है और अपने कानपुर के लिए मेट्रो के लिए बहुत ज़्यादा जरूरीपन था। कानपुर के लिए मेट्रो जरूरी था। अभी जो देखा जाए तो कई मामले हो रहे हैं, एज ए व्यापारी आप क्या सोच रहे हैं, वोट किन मुद्दों पर देंगे? वोट मुद्दे नहीं, मेन मुद्दा है सफाई, मेन मुद्दा है सीवर, मेन मुद्दा है यातायात, इस पे सुधार होना चाहिए। मेन सीवर लाइन जरा सा पानी गिरा भर गया, उस पे मेन सुधार होना चाहिए, सीवर लाइन और इस कामों में सुधार होने। मेट्रो से लोगों को मानना है कि मेट्रो सफलता चुनाव आ रहा है, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? जो है सीवर लाइन की, जो है सीवर लाइन की ज्यादातर तो मुद्दे सब हल कर दिए गए हैं, बचा कुचा जो भी है वो इन 5 सालों में सीवर लाइन की समस्या दूर कर दी जाएगी। कानपुर साउथ की सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं? महापौर चुनाव आ रहे हैं, चल रहे हैं, बड़ी समस्या साफ सफाई वाली मानते हैं, गंदगी सबसे बड़ी है कानपुर का, सबसे अगर स्वच्छता वाला नाम निशान नहीं। और हम अगर अपनी वोटिंग है तो निर्दलीय करेंगे सुनील कनौजिया की, मंदिर का विकास की है सुनील कनौजिया जो है इस मंदिर में। भाजपा ने तो कह रहा ट्रिपल इंजन सरकार है, बहुत विकास हुआ, क्या लगता है आपको, काम हुआ यहाँ पर? लेकर काम क्यों नहीं नहीं है, ये काम हुआ तो देश तक को हम कर ही रहा। नहीं, चुनाव तो लोकल सरकार का, ऐसे यूपी का और देश का कोई भविष्य नहीं तय हो रहा है, लोकल सरकार में आपके क्या मुद्दे हैं? बता तो रहे हैं कि निर्दलीय को ज्यादा सपोर्ट करेंगे ना कांग्रेस को करेंगे। महापौर की बात करें, खाली पार्षद बात है, महापौर प्रेमला पांडे के भाई देखिए समर्थक आए महापौर के लिए। चुनाव में जब व्यापारी, ऐसे व्यापारी होंगे आप तो क्या रखेंगे, उसकी विजन क्या होगा उस वक्त? विजन तो देखिए, सबसे पहला विजन तो वही है यातायात व्यवस्था, कि अगर यातायात बढ़िया रहेगा तो आगे से आगे जो भी कस्टमर जो दूर से आता है उसको आने में तकलीफ नहीं होगी, है ना। दूसरी चीज सफाई, मेन है ही है मुद्दा, कि जब आदमी निकले, घर से निकले, बाहर निकले, कोई परचेजिंग कर भी करने आ रहा है, उसको सामने साफ सुथरा नजर आ रहा है, व्यापार में हमारा मार्केट पूरा साफ सुथरा आ रहा है, तो उसको भी कोई मटेरियल देखने में, माल देखने में, उसको भी उसकी एक मेंटली जो सोच होती है कि अगर मन उसका शांत होगा तभी वो ढंग से पर खरीदारी कर पाएगा, और जब वो खरीदारी करेगा तो बट नेचर हमारा व्यापार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। खरीदारी करेगा तो व्यापार बढ़ेगा, ये मानना है। चुनाव में किस तरीके की सोच के साथ आप रहेंगे, क्या वोट डालेंगे, मुद्दा क्या होगा? सोच इस तरह की रहेगी सर कि सड़कों की सफाई कायदे से हो, सड़क किनारे जो काम होते हैं ठेकेदार सब कंकड़ पत्थर छोड़ के भाग जाते हैं, उसकी वजह धूल बहुत उड़ती है, फॉगिंग वॉगिंग भी नहीं होती है सर, और मेट्रो बन जाएगी सर तो उससे शहर को फायदा होएगा। क्या लग रहा है भ्रष्टाचार कानपुर नगर में हो रहा था, आपको लगता है ठेकेदार छोड़ के भाग जाते? हाँ सर, धूल उल तो बहुत उड़ती थी सर, कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार तो होएगा ही, पूरा काम नहीं किया। एक चर्चा है बंटी टैक्सी, बड़ी चर्चा है, क्या ये है, क्या इसमें वाकई में कोई सच्चाई लगती है? ये सर, मैं तो हम व्यापारी हैं सर, ये कहेंगे वो तो एक चर्चा है, विरोधी एक दूसरे के लिए गेम करते ही जा करके विरोधी, हमें मालूम नहीं बंटी क्या है, मैं पहली बार सुन रहा हूं ऐसा कुछ है, ये हमें व्यापारी में ऐसी चीज तो नहीं है।
ये थे कानपुर के व्यापारी, जिनका मानना है कि ये लोकल सरकार है, इससे देश पे कोई फर्क नहीं नीति आ रही है, ना ही कोई प्रदेश की आ रही है। लोकल सरकार की जो जिम्मेदारियां, उसका वहन करने वाला, उसकी सोच रखने वाला और कानपुर को आगे बढ़ाने वाला महापौर आए। हालांकि जो मेट्रो का काम चल रहा है, कानपुर साउथ को जो जोड़ा गया है, व्यापारी कहीं ना कहीं उससे उत्साहित हैं और उनको लगता है कि ये एक उपलब्धि है, लेकिन कहीं ना कहीं सीवरेज समस्या, सफाई को लेकर वो चिंतित हैं। और सबसे बड़ी बात जो व्यापार को बढ़ाने की होती है, सड़कों की, जिससे उनका ग्राहक आ सके, जिससे उनका सामान आ सके, उसकी उनकी कहीं ना कहीं डिमांड है और इन्हीं सोच के साथ ये वोट करेंगे। कानपुर से कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ सुनील साहू, सहारा समय।